वेलकम गाइस, एसके व्लॉग ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। कैसे आप सब, आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर एम्पलीफायर आया हुआ है हमारा, और यहाँ पर इसमें दिक्कत क्या है, इसमें देखिए एक साइड नहीं चल रही है इसकी, मतलब कि इसमें आवाज़ वगैरह नहीं आ रही है। तो इसमें हम आपको पूरा डिटेल में समझाएंगे और एक एक स्टेप टू स्टेप आपको जानकारी देंगे इसके अंदर। तो जो भी चैनल पर नए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। ये एम्पलीफायर दोस्तों हमने अब से 1.5-2 साल पहले कस्टमर को बना के दिया था। आज ये उसके पास ख़राब हो गया है। ख़राब कैसे हुआ, एक तो उसने इसमें शॉर्ट वो लगा दी, जो पेन ड्राइव होती है शॉर्ट, वो फुली शॉर्ट थी। तो उसमें देखिए इसका ये जो कार्ड था ये डैमेज हो चुका था, हमने कार्ड लगा दिया। कार्ड लगाने के बाद ये सेट तो हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या आई, एक साइड पे फटी फटी आवाज़ आ रही है इधर की तरफ। तो हमने इधर फाइंड किया कि इसकी एक साइड है इधर, एक साइड है उधर। तो जो ये हमारे ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, हमने ट्रांजिस्टर सभी चेक कर चुके हैं, ट्रांजिस्टर कोई भी ख़राब नहीं है। तो अब दिक्कत क्या हुई होगी इसके अंदर, जो ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। सबसे पहले हम आपको देखिए दोस्तों चला के दिखाते हैं। हमने स्पीकर लिया, स्पीकर का एक ग्राउंड पॉइंट कनेक्ट कर लेते हैं हम कहीं पे भी। तो ये हमने ग्राउंड पॉइंट कनेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे पीले वाला प्लस है, यहाँ पे बीच वाला पीले वाला प्लस है। तो मैं ये देखिए यहाँ पे आपको लगा के दिखा देता हूँ, अब सेट करता हूँ। ब्लूटूथ ये देखिए अच्छे से हमने बोला, ब्लूटूथ ब्लूटूथ जो से बोलना चाहिए बहुत अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखिए मैं आपको सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सॉन्ग प्ले किया, ये देखिए। तो ये देखिए एक साइड इसकी बिल्कुल ओके, आप देखिए ये देखिए ये देखिए बहुत अच्छे से है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए अब इधर की साइड पे लगा देता हूँ तार को, ये देखिए। ये देखिए अच्छी आवाज आ रही है, फटी फटी, ये देखिए। अब मैं सही साइड पे लगाता हूँ, उधर साइड पे देखिए, अब देखिए ना जंप कर रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये हमारी ट्रांजिस्टर की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ट्रांजिस्टर की प्रॉब्लम होती ना तो होता क्या इसमें दोस्तों, और या तो स्पीकर ये जो है ना आपका ये पर्दा है, या तो ये अप रहता या डाउन रहता, क्योंकि ट्रांजिस्टर शॉर्ट होने पर दिक्कत थी। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये एम्पलीफायर ओवरलोड करके फूका गया है। मैंने उसको इस तरह से बना के दिया था, कितने लोड डाले फूकेगा नहीं, और उसने ओवरलोड करके फूका है। किस वो अब फूका भी क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपको ग्रीन कलर की तीन चार रेजिस्टेंस दिखा दे रहा हूँ, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। अगर इनमें से रेजिस्टेंस में से कोई सी रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाती है, फूक जाती है ओवरलोड से, यहाँ पे ये 0.5 ओम की होती है, अगर इससे भी नीचे लोड चला जाता है या शॉर्ट हो जाते हैं तार, तो ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हैं ना, ये रेजिस्टेंस जो है हमारी अपनी ये ओपन हो जाती है, और तब ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो ये जो हम रेजिस्टेंस हैं, ये रेजिस्टेंस बदलने के बाद हमारा ये सेट पूरी तरह से ऑन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि इसमें जो मॉस ये जो ट्रांजिस्टर लगे हैं, बहुत से ने मॉसफेट बोलते हैं, उन्हें पता नहीं होता है क्या चीज़ है, ये ट्रांजिस्टर होते हैं, एक एनपीएन एक पीएनपी, एक एनपीएन एक पीएनपी। तो ये दोस्तों ट्रांजिस्टर खराब इसके नहीं होंगे, क्योंकि ये ट्रांजिस्टर 100% ओरिजिनल है। इसके अंदर 200 रुपये 250 रुपये का एक पेयर ट्रांजिस्टर था ये मेरा, तो मेरे ट्रांजिस्टर तो आज तक ही खराब नहीं हुए, काफ़ी समय पुराने हो गए हैं। अभी तक जो प्रॉब्लम है ये रेजिस्टेंस ही खराब होती है। इस रेजिस्टेंस को हम डायरेक्ट नहीं कर सकते, उसका रीज़न है किसी वजह से तार ज़्यादा शॉर्ट ज़्यादा देर तक रह गए तो दोस्तों हमारे ट्रांजिस्टर फिर डेफिनेटली फट जाएंगे। तो ये एक तरह से प्रोटेक्ट का काम करते हैं, अभी हम रेजिस्टेंस चेंज कर देंगे और हमारा क्वालिटी क्लियर हो जाएगा। मतलब इसके अंदर इनकी जो लगे ब्लैक वाले ट्रांजिस्टर, ये खराब नहीं है, इसके खराब नहीं बिल्कुल, क्योंकि अगर ये खराब होते ना, या तो स्पीकर इस तरह से आता, या तो प्लस की वोल्टेज आती आउटपुट में, या माइनस की आता तो ये नीचे जाता, इस तरह से पता लगता है, ठीक है। मतलब कि ये खराब नहीं है, इसका मतलब ये है। अब जैसे कि गाइज आपने अभी देखा, सब पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। तो इसमें देखिए ये जो है आपको प्रोप लगा करके प्रॉपर दिखाई गई है, इधर से लेफ्ट राइट चेंज करके आपने देख लिया होगा वीडियो में किस तरह से आवाज आ रही थी, और किस तरह से इसमें फॉल्ट होता है, उसको कैसे सॉल्व करेंगे आपको इसमें बता दिया है। अगर आपके भी कोई ऐसी दिक्कत आती है तो आपको बिल्कुल आप इसी तरह से इसको ना रिपेयर कर सकते हैं। और भाई सभी वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते कोई भी, और चैनल को सब्सक्राइब करने के, जो चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लो, भाई का चैनल बिल्कुल अच्छा चैनल है, काफी अच्छा चैनल है, उस पर इन्फॉर्मेशन भी बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते। तो सर इसमें बताएंगे ट्रांसफार्मर कितने उसका लगा हुआ है इसमें? इसमें जो ट्रांसफार्मर है ये 60-060 यहाँ पे देख सकते हैं, पूरे 10 एम्पियर का है, ये 3 नंबर में है, सॉरी 3 इंची है, 4 नंबर 3 इंची,
ये देखिए कॉपर का, फुल्ली कॉपर है ये। ये देखिए तार की मोटाई देख सकते हैं, तार की मोटाई देखिए कितनी मोटी तार है, ये देखिए फुल्ली कॉपर है, कोई भी एल्यूमिनियम नहीं है, मतलब कॉपर कि पे ही ऐसा नहीं है सोल्डिंग करी अगर, जाती है, ये बिल्कुल फुल्ली कॉपर है। देखिए सिर्फ इधर लूप निकला हुआ है और इधर है हमारा, ये देख 0 12 का और मेन लाइन का, इसमें और कोई इधर उधर के लूप नहीं बाड़ेगा, जिससे कि इसके एम्पेयर कम हो। एम्पेयर का पता कैसे लगता है, ये जो तार होता है ना हमारा काफ़ी मोटा हो जाता है तार, ये तार काफ़ी मोटा है क्योंकि ये हमारे डबल 12 के दो टॉप बजाने के इतना अच्छा सूटेबल है कि अच्छे से खिसका देगा कॉलमों को, लगी 12 12 इंच के स्पीकर दो टॉप बजा सकता है ये। आराम से बजाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इसे डोम्स पे सपोर्ट करा सकते हैं, लेकिन डोम्स पे सूटेबल नहीं होता है अभी। मतलब कि 2 ओम्स पे ये बिल्कुल नहीं, मतलब कि जैसे कि बताया ये नहीं चलेगा वैसे, लेकिन काफ़ी अच्छा एम्पलीफायर है गाइस, यहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत इसमें आने वाली नहीं है। लेकिन वही है ना, जिस बंदे पे चलाना नहीं आता बिल्कुल, मतलब कि उसने डोम अंधा से भी बजाता नीचे कहा, है। उसने कमी क्या करी होगी, एक ही साइड पे दो तीन कॉलम जोड़ दी होंगी। मैंने उससे कहा था कि इसमें 4 कॉलम भी जोड़ सकता है, पर मैंने उससे ये नहीं कहा कि एक ही साइड पे तो 4 कॉलम जोड़ दे, क्योंकि एक साइड 2 ओम्स से एक साइड 2 ओम्स इस तरह से हम कर सकते हैं इसके अंदर। लेकिन वैसे 4 ओम्स 4 ओम्स के लिए साइड बनी होती है। अगर लाइफ टाइम आपको एम्पलीफायर में कोई भी दिक्कत नहीं चाहिए तो कायदे में आप 8 ओम्स 8 ओम्स लोड डालें, मतलब सिंगल स्पीकर का। जैसे यहाँ पे ये मॉनिटर देख सकते हैं, ये मॉनिटर है, मॉनिटर के अंदर क्या होता है, एक स्पीकर लगा होता है, एक हाइस लगे होते हैं, तो इससे हमारा 8 ओम्स का आसपास रीडिंग है, तो 8 से ज़्यादा 6 आ जाएगी बस, तो वो इसके लिए बिल्कुल सूटेबल होता है, पूरी लाइफ टाइम बजाइए, एक कंपोनेंट भी इसके अंदर खराब नहीं होगा, आपकी वजह से टूट जाए गल जाए वो बात अलग है। मतलब कि तरीके से बजाना आना चाहिए गाइस, अगर तरीके से चलाओगे आप किसी भी को, चाहे उसमें कुछ भी चीज हो, ऐसे नहीं है कि आप कुछ भी हो, मतलब कि उसमें ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल गंदे तरीके से चलाओगे तो वो फूकेगा ही अब मैंने कह फूकेगा। दिया कि भाई ये 9 वाट की एलईडी है, तो इसमें 9 वाट की एमसीपीसी भी लगेगी, आप इसमें 12 वाट 14 वाट लगा दो तो सीधी सी बात है, या तो सर्किट पे लोड पड़ेगा या आपके ही लाइट पे लोड पड़ेगा। आप ये सिंपल सी है, एक आदमी की कैपेसिटी भाई 20 किलो उठाने की है, उससे आप मैक्सिमम 25 किलो कोई करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कैपेसिटी तो 20 की है, 25 कर सकता है वो एक बार को जैसे तैसे करके। अब उससे आप सीधा 44 45 उठवा रहे तो वो उसके उसमें नहीं आएगा, मतलब एक बार को उठा तो देगा लेकिन वो वहां पे मर भी सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है, तो वही चीज इसके साथ हुआ है। बिल्कुल, तो मतलब कि अगर आप भी अगर अच्छे से चलाना चाहते हैं अपना सेट कुछ भी हो इसमें, तो ओम्स और वाटेज हाँ मैच करके हम लगाए, मैच तो ये मैच चार होनी सौ प्लस चाहिए, 400 बनाया था मैंने, 400 प्लस 400 यानी कि 800 वाट का सेट था पूरा, और ठीक उस है। बंदे ने कुछ ज्यादा ओवरलोड कर दिया इसके ऊपर, जिस वजह से इसकी एक साइड खराब हो गई। तो एक साइड हाँ पे बिल्कुल भी गाइस लोड मत दो, बिल्कुल भी बराबर बराबर इक्वल बिल्कुल इक्वल करो होने चाहिए, बिल्कुल एकदम, ठीक जो है, एक साइड पे वो दूसरी साइड पे होने चाहिए। इक्वल लेकिन लोड होना चाहिए एम्पलीफायर पे। अगर इक्वल भी नहीं है तो इतना होना चाहिए कि एम्पलीफायर की सहनशीलता इतनी होनी चाहिए कि इसे सहन कर ले, उससे ज़्यादा वो नहीं कर पाएगा। अब मैंने बिल्कुल हम कहा था 2 ओम्स है तो उन्होंने 2 ओम्स पे कर दिया होगा, इसको 1 ओम्स के या आधा ओम्स के आसपास तो फूकेगा, तो सीधी सी बात है। क्योंकि ये जो एम्पलीफायर का इस बना हुआ ना, मैं आपको बता देता हूँ ये हमारे ही यहीं से बन के गया हुआ है एम्पलीफायर, हमने काफी अच्छे से दिया था। और आज आप इसकी कंडीशन देख लीजिए कितनी गंदी कंडीशन कर रखी है, मतलब कि बिल्कुल फिनिशिंग के साथ। वही है ना, अगर हम अपने पास से देते हैं कस्टमर क्या सोचता है कि पता नहीं यार हमको महंगा दे दिया होगा या अच्छे से माल नहीं लगाया होगा, तो कहीं और ले जा करके दिखा देते हैं और वो दूसरा बंदा उसको खराब कर देता है। तो इसलिए जहाँ पर आप लेकर जाते पूरे गारंटी के साथ, जब कस्टमर सबको आप दे रहे हो तो बिल्कुल अपने उस पर दे रहे हो ना, लेकिन कस्टमर आप पे विश्वास नहीं करते, इसलिए खराब भी हो जाता है कुछ इस तरह से, इधर उधर दिखा देते हैं कुछ, ये भी इसमें शॉर्ट फॉल्ट होता है बहुत ज़्यादा। तो ये रिपेयर अभी करोगे सर या इसके हाँ अभी, ऐसे वीडियो को मैं रिपेयर करके दिखा देंगे, हाँ नेक्स्ट दिन से इसमें रिपेयर नेक्स्ट करेंगे। उसमें दिखाएंगे गाइज आपको रिपेयर करके। वैसे सिंपली इसमें क्या फॉल्ट बताया आपने, रेजिस्टेंस खराब है इसकी बस बस, एक और कुछ नहीं रेजिस्टेंस है, नहीं खराब है इसके अंदर, वो हटा करके लगा देंगे, उसकी कंटिन्यूटी वगैरह लगा चेक करके नहीं देंगे। लगा देंगे, बिल्कुल ओके चल जाएगा। क्योंकि गाइज नए बंदों के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो, लेकिन पुराने बंदे ना मतलब कि आप समझ सकते हैं, आप समझदार हो, कमेंट में जरूर बता देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, और जब चैनल पर नए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।